देश के अमन और देश के दुश्मनों के बीच कितना फासला है? बस एक आदमी का। टाइगर फिर लौट रहा है। सलमान खान की टाइगर 3 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। खास बात यह है कि टाइगर 3 शुक्रवार को रिलीज ना होकर रविवार को रिलीज हो रही है। ऐसा हिंदी सिनेमा के इतिहास में शायद पहली बार हो रहा होगा। यशराज फिल्म्स ने इस यूनिवर्स में 5 फिल्में दी हैं और कई निर्माणाधीन हैं। इस बार तू हारेगा टाइगर, तेरी फैमिली, तेरा मुल्क, सब कुछ। ये वादा है मेरा और मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ता। टाइगर 3 को देखकर मजा आ गया। ट्रेलर काफ़ी इम्प्रेसिव है, वही एक्शन है और एक कन्वेंशनल स्टाइल है, पैटर्न है स्पाई यूनिवर्स का, जो कि मुझे लगता है कि बड़ा पॉजिटिव रहा है हम ऑडियंस के लिए। तो एक्सपेक्टेशंस तो ये है कि ये फिल्म भी सुपरहिट होगी। अब स्पाई यूनिवर्स में ये यशराज की 5वीं फिल्म है और इनकी सारी फिल्में सुपरहिट रही हैं और स्पाई यूनिवर्स ये सारी दुनिया में ही एक्सेप्टेबल है। अगर आप किसी भी वर्टिकल पे जाते हो फिल्मों के या इवन OTT के, ये लोगों को पसंद आता है। मॉडर्न इसमें टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है, अच्छे खासे स्पेशल इफ़ेक्ट्स होते हैं और दुनिया के सारे सुपरस्टार्स स्पाई यूनिवर्स में इन्वॉल्व है, इसलिए मुझे लगता है कि बड़ा लॉजिकल है कि यशराज भी स्पाई यूनिवर्स करें। टाइगर 3 टाइगर फ्रेंचाइजी की पहली फिल्मों से और भव्य है, क्योंकि इस फिल्म में विलन के किरदार में नजर आएंगे इमरान हाशमी। वेलकम टू पाकिस्तान टाइगर। और पठान की तरह यहां भी नजर आएगी शाहरुख सलमान की जोड़ी, क्योंकि शाहरुख इस फिल्म में कैमियो कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक शाहरुख के अलावा फिल्म में कुछ और हैरान करने वाली चीजें नजर आएंगी। तो क्या उम्मीद करें कि टाइगर 3 में वॉर फिल्म के जासूस ऋतिक रोशन भी आ सकते हैं नजर। पठान जब रिलीज हुई थी और उसमें उसका जो सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट था, जो हुक था, वो सलमान खान की एंट्री थी और फिर सलमान खान की एंट्री के बाद ये फिल्म एक अलग लेवल पे पहुंचती थी और दर्शकों की सीटियां और दर्शकों का उत्साह देखते बनता था और वो जो एक्साइटमेंट था पठान में, उसी से मिलता जुलता एक्साइटमेंट हो सकता है कि टाइगर में भी हो, क्योंकि खबरें ऑलरेडी है कि इसमें शाहरुख खान है लेकिन ट्रेलर में कहीं नज़र नहीं आए। ये भी खबर है कि इसमें हो सकता है ऋतिक रोशन हो सकता है इसमें टाइगर श्रॉफ हो, क्योंकि स्पाई यूनिवर्स की है ये लोग। अब ये सारी बड़ी स्टारकास्ट अगर है, ये टाइगर में अगर आती है तो ऑब्वियसली इससे फिल्म को फ़ायदा होता है, लेकिन अब तक वैसे कोई भी कन्फर्मेशन नहीं है कि इसमें कौन है। हो सकता है जॉन अब्राहम हो सकता है कोई और भी बड़ा सुपरस्टार हो, लेकिन जब तक ये नहीं मालूम पड़ता कि कौन सुपरस्टार आएगा, तब तक तो हमको यही लगेगा कि वो कोई ऐसा सुपरस्टार हो जिससे कि फिल्म को फायदा पहुंचे। हिंदी सिनेमा बरसों से जासूसी फिल्मों पर हाथ आजमाता रहा है। मिथुन चक्रवर्ती बतौर मास्टर G9 शायद सबको याद हो, लेकिन फिर भी ये फिल्में हॉलीवुड की फिल्मों की तरह देश में कोई कारनामा नहीं कर पाई। लेकिन पिछले कुछ सालों से यशराज फिल्म्स के जासूस दर्शकों के दिलों पर राज कर रहे हैं और बात करें टाइगर 3 की तो उम्मीद है कि ये फिल्म भी दर्शकों के दिलों पर सेंध लगा पाएगी। मुंबई से प्रशांत सिसोदिया, NDTV इंडिया के लिए।